तो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल मेरे लाडू नटखट बहुत पे। तो आज रक्षा देखिए जन्माष्टमी के दिन लाडू गोपाल जी को काले पड़ गए आपकी विग्रह, तो किसको घर में कैसे साफ कर सकते हो उसकी वीडियो है। आई होप आपको पसंद आएगी। बिना पीताम्बरी के, बिना केमिकल के हम लाडू गोपाल जी को सोने जैसे चमकाने वाले हैं। तो ईजी वे में आपको मैं सारे स्टेप बताऊँगी, स्टेप बाई स्टेप आप फॉलो करेंगे तो आपके लाडू गोपाल जी भी सोने जैसे चमकने लग जाएंगे। देखिए, मैंने लाडू गोपाल जी को चमकाने के बाद इस तरह का लुक आ रहा है। देखिए, काले लग रहे थे ना, जो इस तरह से सुंदर से चमकीले हो गए हमारे लाडू गोपाल जी, बहुत ही सुंदर से। आप भी अपने विग्रह को इस तरह से चमका सकते हैं ताकि आप सुंदर सुंदर श्रृंगार करें ना जन्माष्टमी पे, तो आपके लाडू गोपाल जी भी सोने जैसे लगे। चलिए बताती हूँ मैं किस तरह से चमकाए। तो आपको जिस भी मूर्ति को चमकाना है वो विग्रह ले लेंगे, या पीतल के बर्तन भी ले सकते हैं इसको चमकाने के लिए। आप इस तरह के बना सकते हैं लिक्विड के फॉर्म में और यूज़ कर सकते हैं। तो पहले हमने तुलसा दल ले लेंगे या तुलसी की मंजरी ले लेंगे। इस तरह से लाडू गोपाल जी को बिठा देंगे थाली में, कुछ भी ले सकते हैं जिसमें आप इजीली लाडू गोपाल जी को बिठा ले। तो दही ले लिया है मैंने और शक्कर ले लिए, खट्टा दही लेना है आपको और शक्कर लेनी है, आप किसी भी शक्कर भी ले सकते हैं। हल्दी ले लेंगे, हल्दी ले लेंगे और इसके बाद ले लेंगे हम अमचूर। अमचूर ज़रूर लेना, क्योंकि अमचूर की वजह से ही लाडू गोपाल जी एकदम सोने जैसे चमकने लग जाएंगे। तो देखिए, इस तरह से लेने के बाद अब पहले हम लाडू गोपाल जी को, पहले आप उनने जो भी श्रृंगार कर रखा हो ना वो सारे चीज़ें उतार लेंगे और पहले दही डालेंगे। तो आप ये मिक्स बना लें, मिक्स बनाकर भी यूज़ कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट भी कर सकते हैं। मैंने डायरेक्ट ही चमकाया पहले और लाडू गोपाल जी को हाथ जोड़ के विग्रह से बाहर जाने के लिए बोल देंगे ताकि लाडू गोपाल जी को किसी भी तरह का कष्ट ना हो, आराम से घूमने चले जाएंगे। उसके बाद आप मूर्ति रह जाएगी, तो मूर्ति को ईजीली आप इस तरह से कर सकते हैं। देखिए, हल्दी डाल देंगे, शक्कर डाल देंगे, अमचूर डाल देंगे और फिर हाथों की मदद से हल्के हल्के, बहुत ही हल्के हाथों की मदद से हम मस लेंगे। तो ये हार्मफुल तो है भी नहीं, फेस पे आराम से कर सकते हैं। और लाडू गोपाल जी को हमने हाथ जोड़ के वैसे ही बोल दिया है कि आप विग्रह थोड़ी देर के लिए छोड़ के घूमने भ्रमण के लिए जा सकते हैं, भ्रमण करने जा रहे हैं लाडू गोपाल जी। तो इसी देर में आप मूर्ति को साफ कर सकते हैं। तो देखिए, बहुत ही सुंदर से विग्रह हो जाएंगे। देखिए, आपको साफ करते समय ही आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ, चमकने लग गए हैं। तो बिना पीताम्बरी और केमिकल के इस तरह से ही मैं अपने लाडू गोपाल जी को साफ करती हूँ, राधा रानी जी को भी साफ करती हूँ और बहुत ही ईजिली साफ हो जाते हैं। देखिए, किसी भी तरह की दिक्कत नहीं होती है। और हम वीक में एक बार कर लें या फिर देखिए महीने में एक बार कर लें, इस तरह से चमकते रहते हैं लाडू गोपाल जी, बिल्कुल भी काले नहीं होते हैं और हार्मफुल भी नहीं है। देखिए, बाहर से हम जो हार्मफुल लेते हैं ना केमिकल, उससे तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जब हम ही केमिकल नहीं लगा पाते तो लाडू गोपाल जी को कैसे साफ कर सकते हैं। हमारे एक छोटे से बाल स्वरूप हैं लाडू गोपाल जी, उनको इस तरह के घर के होम रेमेडी ही कहलाती है। इसी से घर में, किचन में हमारे इतना सामान रखा रहता है, उसी से हम यूज़ करके और लाडू गोपाल जी का विग्रह साफ कर सकते हैं। देखिए, थोड़ी देर मसलते रहेंगे, मसलने के बाद आपको लगे ना कि साफ़ हो चुके हैं तो 5 मिनट आप छोड़ देना। 5 मिनट अगर ज़्यादा काले हो ना तो इस तरह से छोड़ देना। देखिए, पहले मैं केमिकल लगाती थी, कलर वगैरह करती थी हेयर वगैरह का, अब मैं ज़्यादा कुछ नहीं करती हूँ, बस लाडू गोपाल जी के हल्की सी लिपस्टिक और आईब्रो कर देती हूँ और काजल लगा देते हैं, बस इतना ही करती हूँ। पहले पूरा श्रृंगार करती थी, अब मन नहीं करता है कि उनको है ना केमिकल वाला चीज़ें लगाऊँ। तो इसलिए देखिए, 5 मिनट छोड़ने के बाद अब लाडू गोपाल जी को स्नान कराएंगे। आप देखना, स्नान करते समय ही आपको लगने लग जाएगा कि हाँ भाई, वर्क करता है ये चीज़ है, ये चीज़ से ही लाडू गोपाल जी देखिए कितने सुंदर से चमकने लग गए। देखिए आप भी, तो आपको अगर अच्छा लगे तो अपने लाडू गोपाल जी को, राधा रानी जी को, बाल स्वरूप को इस तरह से साफ कर सकते हैं। छोटे हैं तो छोटा कम सामान में हो जाएगा, बड़े हैं तो बड़े से थोड़ा सा ज़्यादा सामान लगेगा। तो घर में रखे सामान से ही इजीली आप इस तरह से लाडू गोपाल जी को साफ कर लेंगे। देखिए, कितने सोने जैसे चमकने लग गए हमारे लाडू गोपाल जी। तो मैं ऐसा जो भी मेकअप रहेगा वो सारा हटा दूंगी, क्योंकि जन्माष्टमी में अलग से इनका मेकअप करेंगे। तो साफ कर लेंगे, पोंछ लेंगे अच्छे से ताकि गीले नहीं रहें लाडू गोपाल जी। तो देखिए, इस तरह से साफ कर लिया मैंने, बिल्कुल ही साफ हो गए। अब आप चाहें ना तो ये जो जल है ना, इसको पौधों में डाल सकते हैं। पौधों में डाल देंगे ना तो ये इधर विधर नहीं होगा, क्योंकि लाडू गोपाल जी ने स्नान ही किया है और पौधों को भी इतना डिफिकल्ट नहीं होगा, नहीं हार्मफुल होगा ये चीज़। तो इसको डाल देंगे और लाडू गोपाल जी की इत्र से या घी से मालिश कर देंगे, क्योंकि स्नान के बाद जब घी और इत्र से मालिश करते हैं तो गर्माहट मिलती है, तो छोटे बच्चों के करते हैं ना अपन, तो इसी तरह से हम घी से मालिश कर रही हूँ मैं। तो हमारे यहाँ घी से ही मालिश की जाती है, इत्र तो
वस्त्र वगैरह पे लगाया जाता है। तो आप चाहें जैसे भी करना चाहें ना वैसे कर सकते हैं। तो देखिए चमक आ गई ना लड्डू गोपाल जी में। तो जन्माष्टमी के शिकार के लिए बर्थडे आने वाला है भाई, तो थोड़ा सा पेम्पर तो करना बनता है लड्डू गोपाल जी को। तो इस तरह से मैं पूरा अच्छे से तैयार कर दूँगी। इसी तरह मैंने राधा रानी को भी करा था, तो दोनों को आराम से तैयार कर दिया। देखिए हमारे लड्डू गोपाल जी कितने चमक रहे हैं चारों तरफ से। तो हमेशा ही करती हूँ मैं, सोचा आपके साथ शेयर कर दो, आपको भी पसंद आएगा। और भी घर में रखे सामान से ही अपने लड्डू गोपाल जी को सोने जैसा चमका सकते हैं, बाहर से केमिकल लगाकर उन्हें हार्मफुल नहीं बनाएं। देखिए हमारे लड्डू गोपाल जी तो चमक गए, जन्माष्टमी के तैयार हो चुके। आप भी अपने लड्डू गोपाल जी को चमका लें ताकि वो बहुत ही सुंदर से और भी प्यारे से लगे। कैसी लगी वीडियो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। राधे राधे।